we are going to Korea again. Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and today we are going to Korea and we have to leave in about an hour and I have no idea why I'm coloring my hair, but I am. And इस बार इतना सारा काम करना है, इतनी सारी preparations करनी थी मेरे को कि मेरे को जो excitement है Korea जाने की वो actually realize भी नहीं हुई है. बस काम 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 कर रही थी until now. अभी एक घंटा बचा जब मैं घर से बाहर निकल रहा है और मेरे को नहीं पता लग रहा है. Wait a minute. प्लीज थोड़ी एक्साइटमेंट बूझ दे यार, मेरे को कुछ लग रही है, कुछ हो रहा है. रेड हेयर कलर होना था ये और रेड हो क्यों नहीं रहा है. लेट मी सी. मुल्तानी मिट्टी लगा रहे हैं, ऐसे क्यों लग रहा है, हेयर कलर है यार. सो द पॉइंट वाज कि मेरे को अपने बाल रेड कलर करने हैं ताकि यू नो एक नया लुक हो कोरिया के लिए. पिछली बार भी हम गए थे एंड अब जा रहे हैं दोबारा से, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ऐसे रीवैम्प करेंगे अपने हेयर को, एक नया लुक देंगे. ये हो तो फिर मेरे को त्याग ना स्टाइल क्यों नहीं हो रहा है, एयरपोर्ट नहीं है, क्यों नहीं हो रहा है, समथिंग इज रॉन्ग विद दिस. व्हाट बाल बाल तो नहीं रहेंगे ना. आई थिंक बालों पे लगाएंगे तो शायद हो जाए. मेरा गूगल कर ले एक बार बिफोर आई पुट इट. नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पापा ने किया था वो जाता है कर ले. पापा ने रेड किया था, ब्लैक किया था, तो ब्लैक हो ही जाएगा ना. हाँ तो रेड भी, ये भी रेड हो रहा है, देखिए धीरे धीरे हो रहा है कलर चेंज. कहाँ वेयर रंग कहाँ है वेयर. वन डिजास्टर लेटर स्टेडियम बट फेल सो फार अवे दैट टाइम वाज वन बिग हॉलिडे. जल्दी बट You must be wondering why, Priya, तुम्हारे बाल लाल क्यों हुए हैं? जब तुम अपने घर से निकलने वाली थी, you were running और इतने मेहनत करके तुम अपने बाल कलर कर रही थी. Why are they not red? Well, you see, कुछ कुछ हुआ है. तो कुछ कुछ से मेरा मतलब है बहुत कुछ हो गया है, क्योंकि हमने हेयर कलर किया घर पे एंड टर्न्स आउट बॉक्स लेके आए थे, उसके अंदर कोई और ही कलर था, वो रेड था भी जो हमारे साथ ही पता नहीं फॉर सम वेरी वियर्ड रीजन होना था. एंड रेड की जगह मेरे बाल हो चुके हैं ब्राउन. आई हैव नो आइडिया व्हाई. द ओनली रीजन आई वांटेड टू कलर माई हेयर वॉज बिकॉज आई डेंट वॉन्ट द ब्राउन कलर, बट नाउ आई हैव द ब्राउन कलर विच आई डेंट वॉन्ट इन द फर्स्ट प्लेस. तो यार जाने बहुत अजीब लग रहे हैं यार, ये तो सच है. आई डोंट लाइक दिस. मतलब लिटरली हम एक घंटे पहले निकलने के ये काम कर रहे थे एंड इतना बड़ा मिसअप सा हुआ है. एंड पता नहीं तब से लेके अभी तक भी ऐसा ही हुआ जा रहा है कि मतलब कहते हैं ना कि एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, वो हमारे साथ हो रहा है. लाइक हम उस चीज़ को लिव कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट पे आए, रस्ते में भी, उसके बाद भी, अभी तक भी सब कुछ ही गलत हो जा रहा है. वो तो मैं बात इट्स नॉट गोइंग स्मूथली. लाइक ऐसे एंटर करो एयरपोर्ट तो हर जो चेक पॉइंट होता है हर बार इट्स टेकिंग अस सो मच टाइम. थक गई मैं, बट आई थिंक इट्स गोना गो गुड फ्रॉम नाउ. हां जी, आई होप सो. फाइनली हम आ चुके हैं अपने अपार्टमेंट पे एंड मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ. आई थिंक बज रहे होंगे इस वक्त रात के 12 एंड बहुत ज़्यादा थक गई. बट आई एम सो एक्साइटेड टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद यू कि मैं एक्चुअली मैं कोरिया वापस से क्यों आई हूँ. एंड द रीज़न इज यू गाइज. बिकॉज अगर आप मेरे चैनल के ओजी हो तो आपको पता होगा कि जब मैं कोरिया आई थी लास्ट टाइम तो मैंने एक लाइव सेशन किया था और शिवानी यानी मेरी बहन ने ये बोला था कि भाई प्रिया अगर तूने 100K क्रॉस कर दिया ना अपने
मैं तेरे को BTS की एल्बम दिला दूंगी। मैंने कहा ठीक है भाई, चैलेंज एक्सेप्टेड। एंड तुम लोगों ने वो कर दिखाया भाई। इस वक्त आई हैव 120K सब्सक्राइबर्स ऑन माय YouTube चैनल एंड थैंक यू सो 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 मच गाइस फॉर दैट। एंड और मेरा खर्चा हो गया, शिवानी का खर्चा हो गया, क्योंकि मैं आ गई हूँ कोरिया अपनी BTS एल्बम लेने। मतलब मैंने सोचा यार देखो BTS एल्बम लेनी है, इट ओनली मेक सेंस कि हम कोरिया में आके ही ले, है ना। और फिर तुम लोगों को देखना भी था कोरिया दोबारा से। यू वर आस्किंग मी सो मच कि दीदी आप कब वापस जा रहे हो कोरिया, कब वापस जा रहे हो कोरिया, तो मैं आ गई। बट अब मैं सोच रही थी कि एक काम करते हैं, जाते हैं बाहर नीचे, क्योंकि चुल तो हमारे को बहुत है और मेरे से रुका नहीं जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा बाहर देखकर आते हैं, एक्सप्लोर करके आते हैं। जैसे हम स्टेशन से उतरे थे पता, मैंने पूरी वो लाइट्स देखी और मेरे को सडनली कोरिया वाली वो वाइब आई ना। मैंने कहा यार बस आ गए फिर से कोरिया, एंड बस नीचे जाते हैं। पता है आसपास का एरिया बहुत अच्छा है, पर मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को, मैं बोलूंगी कब तक बोलोगे, तुम लोग सुनते रहोगे। चलते जल्दी से, लेट्स गो। पता है क्या, द गुड थिंग अबाउट दिस प्लेस जो हमने लिया है इज कि दिस इज अ वेरी लाइक नेबरहुड टाइप एरिया, दिस लाइन एंड देन बाहर निकलते इट्स सो मच फन। कितने सारे रेस्टोरेंट्स हैं। कांट बिलीव ओनली कि हम दोबारा से मुंह उठा के कोरिया में आ गए। मेरे को तो ऐसा लग रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे जब हम वहाँ पे थे ना, सबवे में थे जब हम, मेरे को तो ये रियलाइज ही नहीं हो रहा था कि हम कोरिया से कभी गए भी थे। आई नो राइट। और अब जब आई हूँ ना तो ऐसा लग रहा है ओह माय गॉड यस, हम दोबारा से कोरिया में हैं। यहाँ पे सब इतना खुला खुला है, एवरीवन इज हैविंग सो मच फन। और जब हम आए थे तो ज़्यादा भी था, अभी तो हम आराम करके थोड़ी देर बाद ही निकल रहे हैं। ऑल्दो इट्स 12:30 ऑलमोस्ट, ऑल्दो इट्स 12:30 बट स्टिल द लाइट्स आर देयर, एवरीवन इज देयर, तो मतलब वाइब है, मजे आ रहे हैं। ये थक गई है एक्चुअली, ये ना बूट्स पहन के आ गई सो दैट द लगेज उसमें डालने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, और अब इसको पछतावा हो रहा है इस बात का। नॉट रियली बट दीज आर नाउ really tight. तू I feel like तू आराम करेगी, ठीक हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। हम थके हुए हैं, प्रॉब्लम ये है, मैं बता रही हूँ। द बेस्ट थिंग इज अभी जाओ किसी CVS पे, कुछ ढूंढो खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, घर आओ चिल करो और छोले कुलचे खाओ, क्योंकि वो भी हम लाए हैं वेरी इंटरेस्टिंगली, एंड वो करेंगे और फिर जाके आराम से सो जाएंगे। फिर कल सुबह उठेंगे और बहुत सारी वीडियो शूट करेंगे तुम लोगों के लिए। गाइज मेरे को मिली है मैंगो फ्लेवर की पेप्सी, मेरे को लाइम, और ये लाइम है, हम ये लेने वाले हैं। बट भाई मैंगो फ्लेवर की पेप्सी होती कैसे है, ये कौन बना रहा है, ये है क्या। गाइज भुट्टा भी मिल रहा है यहाँ, चाको वाला बनाना, उयू पीका पीका। हर बार का यूजुअल मेरा रूटीन, आ जाओ चलो बस वॉक करते हैं, चिल करते हैं, फिर जाएंगे वापस। कैसा है फ्लेवर ये तो बता, ट्राई करने देना, ट्राई नहीं है मैंने। लंका जैसा है क्या, नहीं बहुत अलग है ये भी, मैंगो वाला बहुत ज्यादा अलग है। मतलब आई डोंट इवन हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट, इट इज पेप्सी बट इट इज आल्सो लाइम फ्लेवर एंड आई गेट दैट। मरवाई मैं नहीं मर पा रही, चल ये दवाई है, ये दवाई है, ये अच्छा है, दिस इज गुड, मुझे भी दिस इज गुड। क्या शराब पी पी के नीचे जमीन में भी बैठे हैं, शराब पी पी के लोग जमीन में बैठे हैं और सिगरेट पी रहे हैं। अरे भाई गिरते पड़ते उल्टियां करते, वो फोटो स्टूडियो भी है गाइस, यहाँ पे ये फोटो स्टूडियो भी है, कभी तो जाएंगे हम भी, सुंदर है भैया। क्या हो गया शानी, पकड़ियो एक सेकंड, ये नहीं पकड़ के खत्म हो रहा काम, हो गया काम खत्म, ये चुप रहा था मेरे पीछे करना था मुझे, आप तो लड़ाई भी करने लग जाती हैं। शिवानी कर रही है ट्राई,
मेरा वाला बेटर है ना, दोनों सेम लग रहे हैं मुझे. तेरा वाला दवाई है, इट्स मैंगो एंड लाइम, बट आई डोंट सी मच डिफरेंस एक्सेप्ट फॉर द मेन फ्लेवर. तेरा वाला दवाई है, इट्स जीरो शुगर, एटलीस्ट इट्स नॉट वेरी 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 शुगरी. बट यार हम कोरिया में आ गए हैं, मतलब ये कैसे हो गया है. So guys, this was my journey from India to South Korea again, and I hope you enjoyed watching today's video. If you did, please make sure to like this video and subscribe to my YouTube channel, and comment down below what you want to see on this channel next from Korea. Let me know. Okay, thanks for watching. Bye. इसमें ना ही मेरा कुछ फायदा हुआ है ना ही मेरा कुछ नुकसान हुआ है. It's soft. नहीं प्रो व्लॉगर वाले हरकतें देख रहे हो, तुम क्या एंगल बनाया है. ओहो, मैं हो गई हूँ रेडी, सुंदर मुंदर सी बन गई हूँ.